अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जाग रहे मसला हो? लीला सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सैनदीन यस सर। जी भाजी जाग रही हैं? बड़ी सर। मेहरबानी आपकी। मोहम्मद राफे, यस सर। माशाल्लाह, मलाइका ताहिर भी क्लास में ही है। यस सर। बड़ी मेहरबानी मैडम, आज हम क्लास में आई हैं। सर कल मुझे ये था कि लेक्चर 10 बजे है तो लिंक ही नहीं आया था। हाँ, फिर आपने कहा यार रो रहा है तो सो ही जाओ। देखा, यस सर, नींद आ गई थी। तुम लोग, मैं कहता हूँ कोई ना। अच्छा भाई, आज आप लोगों का न्यूक्लियर मेडिसिन का है फर्स्ट लेक्चर। आप लोगों को न्यूक्लियर मेडिसिन का नाम सुन के क्या समझ आता है? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी? माहीन, सर इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज़ होता है, आई थिंक रेडियो कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट के लिए भी, और इसमें गैमा कैमरा भी यूज़ होता है। ये कुछ टेक्निक्स याद हैं, पता है मतलब। हाँ, ये आप लोगों ने रेडियोलॉजी डायग्नोस्टिक इमेजिंग पढ़ा होगा ना? यस सर, उसमें। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा जी, न्यूक्लियर मेडिसिन जो आपकी इमेजिंग मोडेलिटी है ना, वो आपकी बाकी सारी इमेजिंग मोडेलिटी से डिफरेंट है। क्यों? आप एक्सरे करते हो, आप सीटी करते हो, आप अल्ट्रासाउंड करते हो, ठीक है, आप फ्लोरो करते हो, आप एमआरआई करते हो, ठीक है, आप एनजीओ करते हो। ये सब की सब मोडेलिटीज आपको क्या बताती हैं कि आपकी मॉर्फोलॉजिकली कोई एनोमली तो नहीं हुई? मतलब आपका लिवर कोई ख़राब तो नहीं होगा, लिवर एनलार्ज तो नहीं हो गया, किडनी एनलार्ज तो नहीं होगी, किडनी में कोई स्टोन तो नहीं आ गया, किडनी में कोई हार्ट नेफ्रोसिस तो नहीं हो रहा, किडनी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, ठीक है। सिमिलरली एनजीओ के अंदर आपके किसी वेसल में ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कहीं पे स्ट्रिक्चर तो नहीं है। बट जो न्यूक्लियर मेडिसिन का स्कैन है, वो आपको मॉर्फोलॉजी के साथ साथ बताता है कि आपका ऑर्गन प्रॉपरली वर्किंग है कि नहीं है। मींस आपको मॉर्फोलॉजी के साथ साथ उसकी फंक्शनिंग एंड फिजियोलॉजी का भी पता चलता है, ठीक है। इसलिए न्यूक्लियर मेडिसिन बाकी सब के सब स्कैन से डिफरेंट स्कैन है, ठीक है। बाकी सब स्कैन्स के अंदर क्या होता है कि जो रेडिएशन है या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्सेज हैं एमआरआई के अंदर या अल्ट्रासाउंड के अंदर, अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं, वो कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं? आपके इक्विपमेंट के अंदर से, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, रेडिएशन प्रोड्यूसिंग एजेंट आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, आपकी बॉडी को रेडिएशन प्रोड्यूसिंग एजेंट का सोर्स बनाया जाता है और फिर रेडिएशन को डिटेक्ट करवाया जाता है इक्विपमेंट के थ्रू, ठीक है। ये कुछ मेन मेन डिफरेंसेस हैं जी। माहिन, क्या पूछना है? सर ये पूछना था कि जो न्यूक्लियर मेडिसिन की टेक्निक्स हैं, इनको हम डायग्नोसिस पर्पस के लिए यूज करते हैं या ट्रीटमेंट के लिए? दोनों। फर्स्टली अगर ओके। तो लाइक अगर फॉर एग्जांपल आपको कैंसर डायग्नोज हो गया है ऑन सीटी या एमआर, ठीक है, यस तो सर। आप क्या नाम है इसको यूज कर सकते हो एज ए थेरेप्यूटिक पर्पस, ठीक है। आप ओके रेडिएशन सर। डोज हाई दो, ठीक है, रेडियो आपका जो रेडियो फार्मास्यूटिकल एजेंट है उसके अंदर आप हाई रेडिएशन डोज वाला न्यूक्लियर रेडियो न्यूक्लियर यूज करो, लाइक आयोडीन, ठीक है, आप ओके इसको सर। यूज कर सकते हो तब एज ए थेरेप्यूटिक पर्पस। लेकिन अगर आपके डॉक्टर ने सीटी एमआर नहीं आपको एडवाइस करता, वो डायरेक्टली आपको एडवाइस करता है न्यूक्लियर स्कैन, तो इट विल बी डायग्नोस्टिक स्कैन। ओके सर। मलाइका, बात समझ आई है? यस सर। मेजर डिफरेंस क्या है न्यूक्लियर में और बाकी स्कैन्स में? सर बाकी स्कैन में हमें सिर्फ मॉर्फोलॉजी का पता चलता है कि वहां पे कोई डिजीज वगैरह है या नहीं। न्यूक्लियर मेडिसिन से हमें ये भी पता चल जाता है कि ऑर्गन फंक्शन प्रॉपर कर रहा है या नहीं कर रहा। क्लास की स्ट्रेंथ 75 है, ठीक है, एंड स्टिल देयर आर ओनली 54 स्टूडेंट्स।
आज जो नहीं आया 5 मिनट तक, ठीक है, क्लास के ग्रुप में मैसेज कर दें कि ही और शी विल बी मार्क एब्सेंट, ठीक है। सर ये जो आपने डायग्नोस्टिक वाला पॉइंट बताया ये वाला रिपीट कर दें। क्या रिपीट करूं तहरीम, आप मुझे ये बताएं। मैंने ये बताया है कि जो न्यूक्लियर मेडिसिन का स्कैन है वो डायग्नोस्टिक के साथ साथ थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए भी यूज होता है, बट कंडीशन अप्लाई। क्या कंडीशन अप्लाई करती है? लाइक अगर आपका कैंसर, ठीक है, या जो भी अनोमली आपकी, अगर वो सीटी एमआरआई पे डिटेक्ट हो गई है, ठीक है, देन आपका अगर न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन एक शेड्यूल किया जा रहा है तो इट मीन्स इट्स अ थेरेप्यूटिक स्कैन। अगर आपके डॉक्टर को कंफर्म उस पर भी नहीं हो रहा कि ये वाकई कैंसर है कि नहीं है, ठीक है, वाकई ये किडनी को इफेक्ट कर रहा है या लिवर को इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, देन इट विल आल्सो बी अ डायग्नोस्टिक स्कैन। हाँ, अगर डॉक्टर ये कहते हैं कि आपका कैंसर कंफर्म हो गया है, हम न्यूक्लियर मेडिसिन के थेरेप्यूटिक स्कैन के थ्रू हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, देन इट विल बी अ थेरेप्यूटिक स्कैन। समझ आ गई? जी सर। अक्सा सर। यस सर। बजी समझ आ गई आपको? जी सर। अच्छा जी, क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग प्रोसीजर्स लुक एट द बॉडीली फंक्शंस टू हेल्प यू मेक योर डायग्नोसिस। न्यूक्लियर मेडिसिन थेरेपी कैन एक्चुअली बी यूज्ड टू ट्रीट द बॉडी। इफ यू आर अंडरगोइंग अ थेरेपी प्रोसेस देन लार्जर अमाउंट्स ऑफ रेडिएशन विल बी यूज्ड टू ट्रीट द कैंसर और थायराइड डिजीज, ठीक है। वही बात है कि अगर आपने डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करना है तो हम मोस्ट कॉमनली टेक्नीशियम रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज करते हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल वो एजेंट है, जैसे कल मैंने आपको कंट्रास्ट बताया था ना कि कंट्रास्ट इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है, कि आपको वेसल्स की प्रोमिनेंसी शो हो या फिर आपके लिवर की जो इंट्राहेपेटिक डक्ट्स हैं उनकी प्रोमिनेंसी शो हो या फिर आपकी किडनी की प्रोमिनेंसी शो हो। सिमिलरली न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर आप रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज करते हो। रेडियो फार्मास्यूटिकल दो चीजों से मिलकर बनता है, रेडियो फ्रॉम रेडियो न्यूक्लाइड एंड फार्मास्यूटिकल मीन्स सॉल्ट, जैसे कि आपकी पेनाडोल के अंदर पैरासिटामोल का सॉल्ट होता है, ठीक है, इसी तरह आपके जो सॉल्ट होते हैं, ठीक है, उसको आप फार्मास्यूटिकल बोलते हो। समझ आ रही है? यस सर। ये एक दो बच्चे यस सर करते हैं, बाकी किधर है भाई? फरहान नूर बेटे। यस सर। बाजी समझ आ रही है? जी सर। पक्की बात है, मैंने जब पूछना है ना और कैसे ना आया ना फिर बड़ा पेड़ा होगा, मैं बता रहा हूँ। मोहम्मद अरशद। यस सर। अजन समझ आ रही है आपको? यस सर आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं व्हाई इज न्यूक्लियर मेडिसिन सो इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग कैन हेल्प विद अर्ली डिटेक्शन और डिस्कवरी ऑफ चेंजेस इन योर बॉडी फंक्शंस, ठीक है। कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो क्या नाम है, सीटी एमआरआई के बजाय न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन को प्रेफर करते हैं कि ये आपकी कैंसर जो है ना, स्पेसिफिकली कैंसर आपका, उसकी डिटेक्शन के अंदर आपको अर्ली हेल्प आउट कर देता है, आपको रूल आउट हो जाता है कि ये वाकई कैंसरस सेल्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। Physicians need an accurate diagnosis first so they can formulate an ideal treatment plan specifically for your needs, ठीक है। अब physician जो है, वही जो मैंने आपको बात कही कि physician पहले इस बात को confirm करेगा either it is a cancerous thing or not, ठीक है। Until unless उसको ये confirm नहीं होता कि cancerous anomaly है, तब तक आपका अगर nuclear medicine scan भी हो रहा है MRI के बाद भी, तो भी वो diagnostic ही होगा, ठीक है। हाँ, अगर वो प्लान करके आपको बताता है कि जी आपको एक कैंसर है तो हम न्यूक्लियर मेडिसिन के स्कैन यूज करेंगे इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, देन इट विल बी थेरेप्यूटिक। इस बात को माइंड में अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। दिस डिटेक्शन कुड हेल्प यू योर केयर टीम अवॉइड हैविंग टू परफॉर्म इनवेसिव प्रोसीजर्स एंड पॉसिबली ट्रीट देम विदाउट सर्जरी, ठीक है सर। ये बात रिपीट कर दे फिजिशियन वाला जो पार्ट है सर, वो डायग्नोस्टिक पर्पस है भाई। जी मलाइका ताहिर। यस सर। इनको एक्सप्लेन करें डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक में क्या डिफरेंस है।
सर आपने यही बताया कि डायग्नोस के लिए डॉक्टर अगर सीटी या एमआरआई से हमें नहीं पता चलता ऑर्गन का तो भी हम न्यूक्लियर मेडिसिन भी कमेंड करते हैं डायग्नोस पर्पस के लिए. इसके अलावा न्यूक्लियर मेडिसिन से हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के एफडीजे फ्लोरीन जो है वो हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट द ट्यूमर्स और कैंसर. थेरेप्यूटिक प्रोसीजर तब तक नहीं होगा जब तक डॉक्टर आपको ये ना बता दे कि आपका कैंसर सीटी या एमआरआई पे कंफर्म हो चुका है. ठीक है, अब हम उसके ट्रीटमेंट के लिए न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन यूज करेंगे. तब तक आपका जो भी न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन परफॉर्म किया जाएगा वो डायग्नोस्टिक होगा जब तक आपका डॉक्टर आपको ये ना बोल दे कि हमको कन्फर्म हो गया कि ये कैंसरस टिश्यू है, कैंसरस सेल्स हैं, इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम न्यूक्लियर मेडिसिन थेरेपी करेंगे. समझ आ गई मौज आपको? यस सर आ गई, थैंक यू. अच्छा जी, व्हाट विल दे डू टू मी ड्यूरिंग न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर? न्यूक्लियर मेडिसिन के प्रोसीजर में क्या होता है? यू विल बी गिवन एन इमेजिंग इवेंट. दिस कुड बी गिवन टू यू इन अ वैरायटी ऑफ फेज, पॉसिबली बाय स्वॉलिंग द पिल, सो एन इंजेक्शन और एन इनहेलर और इवन अ स्पेशल मील यू विल नीड टू ईट. ठीक है, मोस्ट कॉमन जो वे यूज होता है ना वो बाय इंजेक्शन ही है. ठीक है, क्योंकि क्या नाम है, एक सिर्फ आयोडीन के कुछ इस तरह के कंपाउंड्स हैं जो आप स्वॉलो करवाते हो पेशेंट को, बाकी जितने भी न्यूक्लियर मेडिसिन के स्कैन हैं वो आईवी इंजेक्शन के थ्रू होते हैं. क्यों, कोई रीज़न बता सकते कि आईवी आप क्यों यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, चाहे वो सिंपल इंजेक्शन भी लगा रहे हो? क्योंकि सर वो डायरेक्टली ब्लड में चला जाता है तो उसका एक्शन जल्दी होगा. वेरी गुड, ठीक है. कभी जो भी चीज़ हम आईवी देते हैं, ठीक है, हमारा उसके पीछे बेसिकली क्या पर्पस होता है कि ये चीज़ डायरेक्टली बॉडी में जाके इमीडिएट इफेक्ट कॉज करेगी. ठीक है, जो चीज़ आप इनहेल करोगे, जो चीज़ आप ओरली लोगे, ठीक है, उसका जो मोड ऑफ एक्शन है ना वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है कि वो जाके डिसॉल्व होगी, देन अब्सॉर्ब होगी, देन आपके ब्लड के अंदर जाएगी. ठीक है, तो जब भी हम आईवी देते हैं तो हमारा स्पेसिफिकली ये पर्पस होता है कि इमीडिएट हमें इसका रिस्पॉन्स मिलेगा. ठीक हो गया? जी सर. इकराम शरीफ, लिंता याकूब. यस सर. बजी जाग रहे हो? जी. चलो अच्छी बात है. हाफिज मोहम्मद सलमान. Yes, sir. नुद्रत नूर. Yes, sir. सुमैया साबिया. Yes, sir. तैमूर मुजाहिद. तैमूर मुजाहिद. जो मुझे क्लास में रिस्पॉन्स नहीं ना करेगा ही विल बी मार्क एब्सेंट. मैं पहले बता रहा हूँ, बीच में बार बार लेक्चर के दरमियान में तुम लोगों को बुलाने का मकसद यही है तुम लोग जानते हो. सॉरी वो फोन स्टक हो गया था. आई एम हियर. सना हबीब. यस सर. सैयद शहीर जैदी. यस सर. You are my old student also, right? Yes, sir. Old student bhi hai na aap mere, SC bhi padhi hai na mere khayal se. Ji, sir. Okay. Achha. Iske baad wo kehta tha, imaging agent should travel to the specific organ or tissue that needs to be studied. Theek hai? Ab humari sir, piche se shor aa raha hai. कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि ऐसे बस में काम है. मैंने तो इवन दरवाजा भी लॉक किया हुआ है लेकिन देर से. सर जब आप बोलते हैं ना तब बात है शोर, पता नहीं शायद. यस सर. इज इट ओके ना? अब ठीक है? नो सर, आ रही है बोल. नो सर, आ रही है आवाज. फिर वो पता नहीं चलता बोलते हैं.
अब ठीक हुआ? जी सर। यस सर। यस सर। अच्छा, उसके बाद हमारी बॉडी जो है ना बड़ी डेलिकेट बनाई है अल्लाह ने, बहुत ही ज्यादा ना कमाल की कारीगरी जिसको बोलते हैं लाइक जस्ट ऑसम, ठीक है, तो ऑसमली क्रिएट कर रहा हमारी बॉडी में ना हर ऑर्गन के ना यानी कि स्पेसिफिक यानी कि कह सकते हैं कि वो स्पेसिफाइड चीज़ें हैं जो वहाँ जाके लोकलाइज करती हैं। फॉर एग्जांपल आप आयोडाइज सॉल्ट क्यों यूज़ करते हैं कि आपको थायराइड के लिए आयोडीन चाहिए, ठीक है, इसी तरह जिस चीज़ में भी आयोडीन होगा ना वो सबसे पहले जाके अपनी हाई कंसेंट्रेशन शो करेगा। सर शोर आ रहा है अभी भी। सर ये आता रहेगा, वो पीछे काम हो रहा है, जब तक वो काम नहीं रुकेगा ये आता रहेगा। अब ठीक है? जी सर। जी सर अब ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि आयोडाइज सॉल्ट क्यों आप यूज करते हैं, क्योंकि वो आपके क्या नाम है थायराइड के लिए ज़रूरी है, अगर आप नहीं यूज़ करेंगे तो आपको थायराइड की डिजीज स्टार्ट हो जाएंगी। इसी तरह आपके बॉडी का हर ऑर्गन जो है ना उसके लिए एक रेडियो फार्मास्यूटिकल स्पेसिफाइड है, यानी कि वो सबसे पहले जाके बॉडी के उस ऑर्गन में कंसनट्रेट करेगा, आफ्टर दैट वो पूरी बॉडी में मिक्स होगा, ठीक है। इसीलिए हम डिफरेंट फार्मास्यूटिकल्स यूज़ करते हैं, यानी कि डिफरेंट सॉल्ट्स के साथ हम रेडियो न्यूक्लियाइड को टैग करते हैं, ठीक है, ताकि हमने जिस भी ऑर्गन की स्टडी करनी है ना हमें सिर्फ उस ऑर्गन में फर्स्टली कंसेंट्रेशन नजर आए, आफ्टर दैट पूरी बॉडी में जाके मिक्सअप हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक सॉल्ट होता है DTPA, ठीक है, डाइथाइल ट्राइएमाइन पेंटाएसिटिक एसिड, ठीक है, वो हम यूज करते हैं स्पेसिफिकली किडनी के लिए, ठीक है, उसको हम टैग करते हैं किसके साथ, टेक्नीशियम के साथ, ठीक है। टेक्नीशियम क्या है, एक रेडियो न्यूक्लियाइड है जो कि रेडिएशन एमिट करता है, ठीक है, तो उस रेडियो न्यूक्लियाइड को जब हम फार्मास्यूटिकल के साथ टैग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल, ठीक है। अब वो जो DTPA है वो किडनी के लिए स्पेसिफाइड है, यानी कि वो फर्स्टली जाके कहाँ लोकलाइज करेगा, किडनी के अंदर, ठीक है। अगर आप उसको लिवर इमेजिंग के लिए यूज करोगे ना तो आपको कोई अच्छी इमेजिंग अच्छा स्कैन नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि एक स्पेसिफाइड ऑर्गन के लिए एक स्पेसिफाइड रेडियो फार्मास्यूटिकल है, टैगिंग उसकी आप चाहे टेक्नीशियम के साथ करो या आयोडीन के साथ करो, गैलियम के साथ करो, ठीक है, थैलस के साथ करो, बट आपका जो सॉल्ट है ना वो स्पेसिफाइड होना चाहिए आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली। इस बात की समझ आ गई है? यस सर। हम रेडियो फार्मास्यूटिकल इंजेक्ट करते हैं तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट में जाते हुए कितनी देर लगती है? इट डिपेंड्स के क्या नाम है आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कितना अच्छा वर्क कर रहा है। लाइक अब एक बंदे की किडनी खराब है, एक फॉर एग्जांपल उसकी राइट किडनी ठीक है, लेफ्ट खराब है, ठीक है, तो उस एरिया में आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बिल्कुल डाउन होगी, ठीक है। वही चीज़ आपको शो कराएगी कि एक किडनी 5 मिनट के अंदर अगर वो फुली आपको एक प्रॉपर किडनी की शेप में नजर आ रही है और दूसरी नहीं नजर आ रही, इट मीन्स देयर इज समथिंग एनोमलस देयर, ठीक है। अब yes, sir. तो आप सवाल पूछ रहे हैं कितना टाइम लगता है, ठीक है, टाइम उतना ही लगता है जितना कि आपका ब्लड फ्लो एक ऑर्गन में जा रहा है, ठीक है, उसकी परफ्यूजन कितनी हाई है, ठीक है। अगर तो वहाँ का ब्लड फ्लो ठीक है तो विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको क्या नाम है वहाँ पे काउंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये जो रेडिएशन एमिट हो रही होती है ना एक गामा कैमरा पे डिटेक्ट होती है, उसको हम बोलते हैं कि काउंट्स मिलना शुरू हो गए, ठीक है। अगर वहाँ पे आपका परफ्यूजन लेवल अच्छा नहीं है तो आपको टाइम लगेगा, ठीक है, स्कैन विल बी longer as compared to normal, ठीक है? Yes sir. अच्छा, उसके बाद वो क्या कहते हैं, जब आपको उन्होंने contrast injection inject कर दिया, after the contrast का radio pharmaceutical inject कर दिया, उसके बाद आपकी body के images लिए जाते हैं, just like जैसे X-ray में image होता है, CT MRI में image होता है, इसी तरह यहाँ पे भी images लिए जाते हैं, ठीक है? वो image कहाँ जाते हैं, आपकी medical care team के पास, वहाँ पे फिर उनको डायग्नोज और इवेल्युएट किया जाता है। चलो ठीक है, व्हाट अबाउट द रेडिएशन, वेरी स्मॉल अमाउंट्स ऑफ रेडिएशन आर गिवन ड्यूरिंग न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग स्कैन्स, लार्जर अमाउंट्स आर यूज्ड फॉर थेरेपी इन ऑर्डर टू गेट वेरी स्पेसिफिक एरियाज, द स्कैनर्स इक्विपमेंट डू नॉट गिव ऑफ रेडिएशन। मैंने आपको स्टार्ट में ही बात क्लियर कर दी है कि जो आपके
न्यूक्लियर मेडिसिन का इक्विपमेंट है उसके अंदर से रेडिएशन वेट नहीं होती। हाँ, आपकी बॉडी जो है उसके अंदर से रेडिएशन वेट हो रही होती है जो कि आपका जो गामा कैमरा है वो डिटेक्ट करता है। ठीक है, रेडिएशन की बात आ गई, न्यूक्लियर मेडिसिन में सबसे कम रेडिएशन है, रीजन। बाकी सब जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक्सरे है, आपका सीटी है, आप एक स्पेसिफाइड एरिया के ऊपर बहुत ढेर सारी रेडिएशन डाल रहे होते हो। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक बाजू का एक्सरे करना है तो सिर्फ और सिर्फ बाजू के ऊपर ही आपकी रेडिएशन पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ आपकी बाजू को रेडिएशन मिलेगी और जो स्कैटर होगी वो बॉडी को भी मिलेगी। न्यूक्लियर मेडिसिन में क्या होता है, आप थोड़ी सी रेडिएशन की डोज लेते हो और वो पूरी बॉडी में जाके फैल जाती है। ठीक है, एक स्पेसिफाइड एरिया में रुकी नहीं रहती। ठीक है, क्योंकि वो ब्लड के साथ साथ जा रही है, उसके बाद किडनीज के थ्रू क्लियर आउट भी हो रही है। ठीक है, और जो आपका रेडियो फार्मास्यूटिकल है ना, उसकी हाफ लाइफ होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा शुरू में FSC के अंदर कि जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ना, उनकी हाफ लाइफ होती है, वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद अपनी जितनी भी उनकी अमाउंट होती है उसका हाफ रह जाते हैं। इस बात का पता है? जी सर। यस सर। ठीक है, तो उसकी वजह से आपके न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर एज कम्पेयर टू एक्सरे एंड सीटी स्कैन और एंजियोग्राफी, ठीक है, आपकी रेडिएशन डोज बहुत कम होती है। मोस्ट ऑफ द रेडियो फार्मास्यूटिकल्स यूज्ड इन न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर्स कैन बी डिटेक्टेड एक्सटर्नली यूजिंग स्पेशल डिटेक्टर्स, फॉर एग्जांपल गामा कैमरास एंड पेट स्कैनर्स। ठीक है, जब आप क्या नाम है FDG यूज करेंगे, ठीक है, तो आप पेट स्कैनर यूज करेंगे, ठीक है, टू डिटेक्ट। और जब आप टेक्नीशियम या आयोडीन या थैलस आयन यूज करेंगे एज ए रेडियो फार्मास्यूटिकल रेडियो न्यूक्लियर, तो आप गामा कैमरास यूज करेंगे टू डिटेक्ट द रेडिएशन। ठीक है, ये डिफरेंट क्यों है, क्योंकि जो FDG है उसकी रेडिएशन रेंज बहुत हाई है। ठीक है, वो हाई क्वालिटी की रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो टेक्नीशियन है उसकी एनर्जी ऑफ रेडिएशन वो ज़रा लो है, इसलिए उसके लिए गामा कैमरा यूज़ किया जाता है। पेट स्कैनर्स जो हैं वो ज़रा हाई क्वालिटी के बनाए जाते हैं ताकि वो हाई एनर्जी के रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकें। इज इट क्लियर? यस सर। टेक्नीशियन की समझ नहीं आई। क्या नहीं समझ आई सर? टेक्नीशियन वाली बात नहीं समझ आई। टेक्नीशियन वाली बात उसने सिर्फ इतनी सी बात कही है कि जो FDG है उसकी रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है, एनर्जी है, वो हाई होती है। ठीक है, गामा कैमरा जिस मटेरियल से यानी कि जिस थिकनेस के साथ बना होता है ना, वो इस काबिल नहीं होता कि वो उस रेडिएशन को डिटेक्ट कर सके। वो इतनी हाई एनर्जी की होती है कि वो कैमरा के भी अंदर से पास कर देती है विदाउट डिटेक्शन। ठीक है, जबकि जो टेक्नीशियम है ना उसकी एनर्जी इतनी हाई नहीं होती। ठीक है, जब वो कैमरा के ऊपर फॉल करती है तो वो डिटेक्ट होती है और एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, इसलिए जब हम टेक्नीशियम या फिर आयोडीन यूज़ करते हैं तो हम गामा कैमरास यूज़ करते हैं, और जब हमने FDG यूज करना होता है तो हम पेट स्कैनर्स यूज करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन टेक्नीशियन क्या चीज है? क्या हुआ? टेक्नीशियन क्या चीज है बेटे? रेडियो न्यूक्लियाइड है। अभी तक आपको सर उठ जाओ मेहरबानी। मैंने यही आप लोगों को बताया है कि रेडियो न्यूक्लियाइड जो हैं हम उनको टैग करते हैं फार्मास्यूटिकल के साथ। रेडियो न्यूक्लियाइड में टेक्नीशियम आता है, आयोडीन आता है, थैलेसाइन आता है, गैलियम आता है। ठीक है, समझ आ गई है? और फ्लोरीन का एक रेडियोएक्टिव आइसोटॉप आता है जिसको हम डाइऑक्साइड ग्लूकोज के साथ टैग करते हैं। अब समझ आ गई कि टेक्नीशियम क्या है? एक रेडियो न्यूक्लियाइड एजेंट है जो रेडिएशन प्रोड्यूस। जी सर, आ गई। कैमरास वर्क इन कंजक्शन विद कंप्यूटर्स टू फॉर्म इमेजेस दैट प्रोवाइड डेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गन और एरिया ऑफ द बॉडी। जो इमेजेस आप कंप्यूटर के थ्रू लेते हो उसको कंप्यूटर इंटरप्रेट करके आपके सामने शो करता है, एक ऑर्गन बना के आपको दिखाता है कि जी ये किडनी नजर आ रही है, ये आपका क्या नाम है लिवर नजर आ रहा है, जो भी ऑर्गन आप इमेज कर रहे हो। ठीक है, द रेडिएशन डोज रिसीव फ्रॉम अ डायग्नोस्टिक न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर इज कंपेरेबल टू दैट रिसीव फ्रॉम सम डायग्नोस्टिक एक्सरेस। ठीक है, जितनी आपको रेडिएशन डोज एक एक्सरे के अंदर मिलती है ना, ऑलमोस्ट उसके जितनी ही डोज आपको एक रेडियो न्यूक्लियर स्कैन के अंदर मिलती है। ठीक है, अब वो डोज जो है वो एक एरिया पे स्पेसिफाइड होती है। ठीक है, लाइक एब्डोमेन को एक्सरे किया तो एब्डोमेन को मिली सिर्फ,
लेक का किया तो सिर्फ लेक को मिली, लेकिन न्यूक्लियर मेडिसिन की जो रेडिएशन डोज है वो इसलिए डेंजरस नहीं है इतनी ज्यादा क्योंकि वो पूरी बॉडी में फैल जाती है, ठीक है। और उसकी जब पूरी बॉडी में फैलने के बाद जब एक चीज एक जगह पर कन्फाइन होती है, लाइक एक टॉर्च की एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, अगर आप टॉर्च को एक नियर बाय चीज के ऊपर डालोगे ना तो उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होगी, ठीक है, और अगर उसी टॉर्च के एरिया को बढ़ा के यानी कि दूर जगह पर डालोगे ना तो उसकी इंटेंसिटी बहुत लो आएगी, ठीक है, क्योंकि उसकी जो लाइट है वो स्कैटर करती है, ठीक है, समझ आ रही है बात? यस सर। यस सर। ओके। देयर आर नियरली 100 डिफरेंट nuclear medicine imaging procedure in use today, including diagnosis, treatment of hyperthyroidism, cardiac stress test to analyze heart function, bone scans for metastatic growths, lung scans for blood clots, kidney, liver and gallbladder procedures to diagnose abnormal function or blockages. ठीक है, इन सब purpose के लिए हम आजकल nuclear medicine scans को use करते हैं. Okay? जी सर. Yes sir. ठीक है, ये उसने आपको एक साइकिल बना के दिखाया हुआ है कि भाई जी क्या नाम है, आपने सबसे पहले क्या करना है कि डिफाइन है क्लिनिकल प्रॉब्लम के क्या इशू चल रहा है, ठीक है, अब वो किडनी का है, लिवर का है, थायराइड का है, ठीक है, बोन का है, आपने उसको देखना है कि कौन सी चीज़ का है, फिर मैंने वही आपको जो बात बताई कि उसके अकॉर्डिंगली आपने अपना सॉल्ट चूज करना है कि किडनी में कौन सा जाके लोकलाइज करेगा, कौन सा जाके बोन में लोकलाइज करेगा, कौन सा जाके लिवर में लोकलाइज करेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपने वो चूज करना है, और फिर आपने क्या नाम है जो आपका इंस्ट्रूमेंट है यानी कि गामा कैमरा या फिर अगर एफडीजी यूज करें तो पेट स्कैनर चूज कर लेना, ठीक है जी सर। कॉमनली यूज्ड रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, द प्राइमरी रेडियो न्यूक्लियोटाइड यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर्स इज टेक्नीशियम 99M, 99 उसका एटॉमिक नंबर और एम है मेटा स्टेबल, यानी कि स्टेबल नहीं होता, डिके कर जाता है, ठीक है, अब पता लग गया मॉस टेक्नीशियम क्या चीज है? यस सर, पता लग गया। एक नेचुरली अकरिंग आपका एलिमेंट है जो कि रेडिएशन एमिट करता है, ठीक है, नेचुरली। जी सर। The primary radionuclide used for therapeutic nuclear medicine procedures is iodine. अब हम therapeutic procedures के लिए आयोडीन क्यों यूज करते हैं, टेक्नीशियन क्यों नहीं करते, उसकी रीजन ये है कि जो आयोडीन से प्रोड्यूस होने वाली रेडिएशन है ना उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर टेक्नीशियन की एनर्जी है एक रेडियो रेडिएशन की 140 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसके मुकाबले में आयोडीन की एनर्जी होती है 700 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट 6 टाइम्स हायर, ठीक है, इसलिए हम डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स के लिए न्यूक्लियर मेडिसिन में आयोडीन यूज करते हैं मोस्ट कॉमनली। इज इट क्लियर माहीन? यस सर। साम्या? साम्या जाग रहे हैं? गानिया खान? यस सर। समझ आ रही है आपको? जी सर। मोहम्मद हामिद? मोहम्मद हामिद बजन समझ आ रही है? अरसलान? यस सर। जाग रहे हो? यस सर। ये आवाज से तो नहीं लग रहा सर, है ही ऐसी। यस सर। आपको जरा कि हम टेक्नीशियन किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, आयोडीन किसके लिए यूज करते हैं? यस सर। बताओ नुद्रत? यस सर। आप बताएं कि टेक्नीशियन कब यूज होता है और आयोडीन कब यूज होता है? थेरेप्यूटिकल इन न्यूक्लियर के लिए हम लोग आयोडीन यूज करते हैं क्योंकि इसकी डेंसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, और टेक्नीशियम यूज करते हैं इसकी डेंसिटी जो होती है वो कम होती है, तो इस वजह से हम इसे न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए डायग्नोस्टिक के लिए यूज करते हैं।
ओके ओके अच्छा जी, उसके बाद जी हम आगे चलते हैं। वो कहता है रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होता है। रेडियो फार्मास्यूटिकल जैसे कि मैं आपको दो तीन दफा बता चुका हूँ कि दो चीजों से मिलकर बनता है, एक आपका रेडियो न्यूक्लियाइड और फार्मास्यूटिकल मतलब जो सॉल्ट है, ठीक है। इन डिजाइनिंग रेडियो फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल इज फर्स्ट चोजन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रेफरेंशियल अपटेक, ठीक है, कि सबसे पहले जाकर आपके वो किस ऑर्गन के अंदर लोकलाइज करेगा, ठीक है, और इट्स पार्टिसिपेशन इन द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ऑर्गन, ठीक है, या जैसे कि आयोडीन आपके थायराइड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, तो वो पार्टिसिपेट करता है उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग प्रॉपर होने में भी, ठीक है। दैट इज द मॉर्फोलॉजी एंड और द फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गन कैन बी असेस्ड, ठीक है, ताकि आपको जब आप स्पेसिफाइड सॉल्ट देंगे स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए, ठीक है, तो आपको उसकी मॉर्फोलॉजी के साथ साथ उसके क्या नाम है फंक्शन का भी पता चलेगा कि प्रॉपर फंक्शनिंग है या नहीं। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सिंटिलेशन डिटेक्टर, रेडियो न्यूक्लियेट एमिट्स डिस्क्रीट एनर्जी फोटॉन्स विच कैन आइदर बी टोटली अब्सॉर्ब, पार्शली अब्सॉर्ब और कम्प्लीटली मिस बाय सिंटिलेशन डिटेक्टर, ठीक है। जो आपका सिंटिलेशन डिटेक्टर लगा होता है, जो गैमा कैमरा भी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, उसके ऊपर आपकी रेडिएशन फॉल करती है, या तो वो टोटली अब्सॉर्ब हो जाएगी या पार्शली, यानी कि अगर 100 रेडिएशन फॉल की तो उसमें से 80 अब्सॉर्ब होगी 20 मिस आउट होगी, या फिर कुछ रेडिएशन इस तरह होती है यानी कि 50 फॉल की 50 की 50 ही मिस हो गई। क्यों? उनकी रेडिएशन इंटेंसिटी इतनी हाई थी कि आपके गैमा कैमरा के अंदर इतनी पावर नहीं थी कि उनको अब्सॉर्ब कर सकता, ठीक है। इफ द गैमा रे इज अब्सॉर्ब द सिंटिलेशन डिटेक्टर कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इनटू अ फ्लैश, ठीक है। जो जो रेडिएशन आपकी गैमा रे के ऊपर फॉल करने के बाद एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करता है आपका सिंटिलेशन डिटेक्टर एक लाइट की फ्लैश के अंदर, ठीक है, जस्ट लाइक द फ्लैश ऑफ ए कैमरा, ठीक है। A flash of light is converted into electrical signal or electrical pulse which is amplified in the system and subsequently analyzed, ठीक है। जब आपके scintillation detector पे आपकी gamma ray fall करती है तो वो detector उसे पहले convert करता है light के flash में, after that वो flash जो है उसको convert किया जाता है dynodes के through electrical pulses में, ठीक है, फिर उनको amplify करके तो system analyze करता है, ठीक है, और हमें बताता है कि इस जगह से आपको इतनी क्या नाम है रेडिएशन डिटेक्ट हुई है, ठीक है, और यहाँ से इतनी डिटेक्ट हुई है, ठीक है, और फिर आपको एक इमेज बना के दिखाता है कि जी ये आपकी किडनी थी, ये आपका लिवर था, इस तरह का आपका इमेज आया। डिपेंडिंग ऑन द इनिशियल एनर्जी अब्सॉर्ब्ड एंड डिपेंडिंग ऑन हाउ द ऑपरेटर सेट्स अप द सिंटिलेशन डिटेक्टर द फोटोन इज आइदर काउंटेड और रिजेक्टेड। अब आपका जो सिस्टम है ना सिंटिलेशन कैमरा का, उसके अंदर आपको सेटिंग्स होती हैं। मैं उसको ये सेटिंग कह सकता हूँ कि भाईजान आपने 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 120 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की जो रेडिएशन है ना सिर्फ उनको काउंट करना है। अब उसके अलावा जितनी भी रेडिएशन होगी ना 80 से नीचे और 120 से ऊपर वो उनको काउंट नहीं करेगा। इस बात की समझ आई है? ठीक है, आपके पास सेटिंग्स मौजूद होती हैं कैमरा के अंदर कि आप उसको ये चीज बता दो कि भाई मुझे इस रेंज से लेके इस रेंज तक की एनर्जीज रिक्वायर्ड है और रेडिएशन रिक्वायर्ड है, आपने सिर्फ उसको काउंट करना है, बाकी सबको काउंट नहीं करना, ठीक है? ओके सर। द सिंटिलेशन और गैमा कैमरा वाज डेवलप्ड बाय हेल एंगर इन 1958, ठीक है। जो आपका सिंटिलेशन कैमरा है वो सबसे पहले किसने डेवलप किया था? हेल एंगर ने 1958 में। द प्रिंसिपल ऑफ एंगर कैमरा स्टिल यूज इन मॉडर्न गैमा कैमरा, जैसे उसने डेवलप किया था सेम उसी प्रिंसिपल पे आज भी कैमरास चल रहे हैं, बट आपको पता है जैसे जैसे एडवांसमेंट होती जाती है काफी सारे चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है? यस सर। के बाद वो कहता जी रेडिएशन इज रियली एवरीवेयर, क्या ये बात सच है? जी सर। आपको सूरज से भी रेडिएशन मिल रही है, ठीक है, आपकी जमीन के अंदर जितने भी फॉसिल्स के डिपॉजिट है ना वो भी रेडिएशन एमिट करते हैं, वहां से भी आपको रेडिएशन मिलती है, ठीक है। उसके लिए उसने क्या बताया कि 1% अगर उसके कोई सीटी हो रहा है, उसका अगर कोई एक्सरे हो रहा है, उसका कोई न्यूक्लियर स्कैन हो रहा है, उसकी एंजियोग्राफी हो रही है, तो उसकी एनुअल डोज 360 mg से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर इससे ऊपर जाएगी तो फिर उसको क्या नाम है साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, जिसके अंदर आपका कैंसर भी हो सकता है, ठीक है, कोई ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है, ठीक है, हाइपरटेंशन भी कॉज हो सकती है, आपकी आईज का इशू आ सकता है, ठीक है,
इस तरह के डिफरेंट बायोलॉजिकल इफेक्ट्स कॉज हो सकते हैं अगर आपकी रेडिएशन डोज एक स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर जाएगी. ठीक हो गया? यस यस सर. जी सर, यूनिट क्या बताया? जी जी पूछो. 360 यूनिट क्या था आगे सर? मिली रैम. ओके सर. ठीक है, ये आपकी एक न्यूक्लियर मेडिसिन के स्कैन रूम की पिक्चर है. ये आपका कंसोल है. ठीक है, ये आपका काउच या टेबल बोलते हैं. ये आपका सिंटिलेशन डिटेक्टर या गैमा कैमरा, उसका हेड है. ठीक है, ये पेशेंट के अंदर से रेडिएशन एमिट होगी, इसके ऊपर डिटेक्ट होगी और इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू आपको यहाँ कंप्यूटर के ऊपर इमेज शो होगा. हाँ जी, किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल? नो सर. अच्छा, जरा अटेंडेंस लगा लीजिए. अबीहा ज़ैनब प्रेजेंट. अफजाल एहसन प्रेजेंट सर. ऐमन हबीब प्रेजेंट सर. आलिया प्रेजेंट सर. आलिया, एहसान, शहबाज, नवाज, एक एक करके बोलें. आलिया शहबाज है. ठीक है, आलिया एहसान भी है. ठीक है, कौन सी वाली आलिया नहीं है? लेट मी चेक. आलिया नवाज नहीं है. ठीक हो गया. अमानिया ताहिर प्रेजेंट सर. ओके, अक्सा अजहर प्रेजेंट सर. अथर इकबाल नहीं है. अस्मा जफर गुलजार. अरीबा नासिर प्रेजेंट सर. एक आयशा नासिर है और एक सिंपल आयशा है. प्रेजेंट सर. और एक दूसरी सिंपल आयशा लिखा हुआ है, वो बच्ची प्रेजेंट है? प्रेजेंट सर. ओके सर, मेरी तो नहीं हुई अटेंडेंस. अल्लाह नवाज आपकी लग गई है. ओके सर. अच्छा जी, फाखरा जफर गानिया खान प्रेजेंट सर. हिना खालिद प्रेजेंट सर. हिना खालिद सर प्रेजेंट. ओके, इकराम शरीफ, इरम सईद प्रेजेंट सर. बेटे पहले किधर थे? मैंने पहले आपका तीन नाम प्रेजेंट सर. नहीं सर, बोल रहा हूं मैं पहले. ऐंदा नहीं बोलोगे तो एब्सेंट लग जाएगी उसी टाइम पे. नहीं सर, नहीं सर, मेरे नहीं आवाज आई है. कशफ मकसूद प्रेजेंट सर. खदीजा प्रेजेंट सर. लिंता प्रेजेंट सर. महादील मलिहा मरियम मलाइका नदीम ममूना रहमान सर. मेरा नेम कॉल नहीं किया आपने. जिन जिन का मुझे पता उनका नहीं कॉल कर रहा. मोमिना आमिर ताहिर नेम कॉल नहीं किया आपने. प्रेजेंट सर. मेरा नेम भी कॉल नहीं किया आपने. मैं मोना तारे किया उसकी लग गई है. सर दुआ खान आपने नहीं कॉल किया.
मोहम्मद काशिफ यस सर मोहम्मद उस्मान प्रेजेंट सर वसीम मुशाहिद मुशाहिद रहीम राबिया इरफान रगीसा आनम रहमा सुहेल सादिका शहजादी सफा नूर सना हबीब प्रेजेंट सफा नूर प्रेजेंट सर ठीक है सारा अनवर प्रेजेंट सिमा फयाज सिमा भट्ट सिमा भट्ट सुंबल मुश्ताक प्रेजेंट सर सुमैया सादिया प्रेजेंट सर उमेर अहमद प्रेजेंट सर उमे अमन वलीद मलिक प्रेजेंट सर बुकार यूनस जानिश फातमा जैनब अंसर प्रेजेंट सर जरकम ठीक है बच्चों जा सकते हो आप और मैंने लेक्चर सुनना है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ के आना सर मेरा नेम कॉल नहीं किया आपने बेटे मैंने आपको बताया जिसका नहीं किया उसकी लग गई है ओके सर सर मेरा एक क्वेश्चन था जी जी पूछे कि सर न्यूक्लियर मेडिसिन को हम फर्स्ट लाइन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए यूज करते हैं या फिर सिर्फ तभी करेंगे जब सीटी या एमआरआई पे कोई चीज क्लियर नहीं होगी बेटे इट डिपेंड्स ऑन द डॉक्टर के आफ्टर एक्सरे या अल्ट्रासाउंड वो किस चीज को प्रेफर करता है ठीक है लाइक आजकल तो मोस्टली सीटी और एमआरआई प्रेफर होते हैं ठीक है बट इट डिपेंड्स के क्या नाम है डॉक्टर किस चीज को प्रेफर करता है कि यार क्या नाम है पहले न्यूक्लियर कर लिया जाए सीटी एमआरआई से पहले ठीक है कि मे बी उसको एक्सपीरियंस ये कहता हो कि उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा अच्छी है इस कंडीशन में एज कम्पेयर टू सीटी एमआरआई ठीक है ओके सर सर अल्लाह हाफिज़ सर अल्लाह हाफिज़